तो वेलकम बैक टू कल्याण टॉप। कैसे हो दोस्तों? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, पठान का कहर अभी तक जारी है। मतलब पठान अपनी मेहमान नवाजी में अभी अभी लोगों को बुला रही है कि भाई आप हमारी मेहमान नवाजी में आओ और हमें देखो। इसका मतलब यह है कि पठान इस टाइम पे इतनी दमदार परफॉर्मेंस कर रही है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी भी मूवी से। मतलब जो नए नए लड़कों की मूवीज आ रही है, अभी शहजादा आ रही है, शहजादों को भी इतनी ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली है, उसे भी इस पठान से नुकसान अब भी हो रहा है क्योंकि उसने अपनी एडवांस बुकिंग पता है कितनी की है? सिर्फ 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग की है, जब कार्तिक आर्यन है उसमें। ऐसे हीरो को भी पठान के आगे इतनी कम रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप खुद सोचो कि पठान क्या है भाई। पठान एक ऐसा बम है जो अभी तक उसका धुआं जारी है। मतलब अभी बहुत लोगों ने मूवी नहीं देखी है यार, और अगर किसी ने देख लिया तो वो बार बार जाके देख रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ ओवरसीज के बारे में। ओवरसीज ने पठान का और शाहरुख खान का और YRF का पूरा पूरा साथ दिया है, पूरा पूरा उसने ये जताया है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप बस क्रिएट करो। और इधर तमिल तेलुगु की बात करते हैं, तमिल तेलुगु से इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना हमने सोचा था। यहाँ तक कि ये भी सोचा था कि यार वहां से 100 करोड़ का कलेक्शन देगी, लेकिन इतना नहीं दे पाई। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 20 करोड़ से भी नीचे नीचे का तमिल तेलुगु से मिला है। अभी टोटल अर्लीस्ट जो कलेक्शन हुई है पठान की इस टाइम पे हिंदी बेल्ट बेल्ट की, वो है 502 करोड़। यहां तक कि बाहुबली का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। बाहुबली का 510 करोड़ का हिंदी बेल्ट का है, तो 502 करोड़ पठान पहुंच चुकी है। 8-9 करोड़ और हो जाएगा तो बाहुबली का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि फिर वो पहली मूवी हिंदी की बन जाएगी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली। फिर दूसरे पे बाहुबली आ जाएगी 2, और तीसरे पे आ जाएगी दंगल, फिर चौथे पे KGF 2। तो भाई इतनी दमदार परफॉर्मेंस कर रही है। और अगर आज की Day 22 की मैं बताऊं आपको, Day 22 में भी इस मूवी ने 4 से 5 करोड़ की कलेक्शन की है, और अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो भाई 6-7 करोड़ हो रहा है, और ओवरसीज में जाए तो वहां से 2 करोड़ है। मतलब आज भी इस मूवी ने 22 में 9 करोड़ रुपए की अच्छी खासी मोटी कमाई करी है, और ये 963 करोड़ रुपए बैठ रहा है टोटल इसका वर्ल्ड वाइड। अब ये हो जाएगा 970 करोड़। तो भाई ये कह रही है कि जब तक मैं 1000 करोड़ नहीं होंगी, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। और अभी जवान को भी आना है, जवान में तो और भी तहलका मचने वाला है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है उसमें अल्लू अर्जुन भी है। लेकिन एक बात ये क्लियर नहीं हो पा रही कि थलापति विजय अब भी है उसमें या नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा सुना था मैंने कि भाई अर्जुन इन है, विजय बाहर है, तो ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है कि भाई दोनों में से इन कौन है या दोनों ही इन है। तो जैसे ही इसकी कोई रिपोर्ट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, अगर मुझसे इस बारे में कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो या मैंने कुछ कलेक्शन ऊपर नीचे बोल दिया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।